हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, आलू फ्राई। इसमें स्पेशल ये है कि ये हम एक स्पेशल सॉस के साथ बनाने जा रहे हैं। उम्मीद आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत खुश होकर खाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इन आलू को बनाने के लिए हमने एक पैन में पानी रख लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा हम काली मिर्च भी डाल देंगे, ऑप्शनल है बिल्कुल। और ये मैंने आलू को कट करके पानी के अंदर रखा हुआ है। इन आलू को हल्का हल्का सा बॉयल करना, मतलब ज्यादा बॉयल नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का सा। कभी भी आलू को बनाएं तो उसको पहले पानी में जरूर डिप करके रखें, ताकि उसका एक्स्ट्रा स्टार्च है जो निकल जाए। आलू को हमने बॉयल होने रखा है, इतने में हम चटनी बना लेते हैं। इसके लिए यानी सॉस तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है 2 चम्मच मेयोनीज, कोई भी मेयोनीज ले सकते हैं, मैंने वेज मेयोनीज का यूज किया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे ऑरेगानो। ऑरेगानो का मेरे पास पाउच है, मैं पाउच डाल रही हूँ। और इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम मलाई डाल देंगे। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर फ्रेश मलाई का यूज़ किया है। इसको अच्छे से यानी मिक्स कर लेंगे। ये आलू को मैंने पानी में से निकाल लिया, यानी सिर्फ एक बॉयल आया तो मैंने साथ ही आलू को निकाल लिया है। ड्रेन करने के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर से डाल दिया है, और इस तरह से मैंने छलनी को रख लिया। तो अब हम इसके लिए थोड़ा सा बैटर बनाते हैं। ये मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा, थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे मिर्च, हल्की सी लाल मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि आलू को बॉईल करने के टाइम भी हमने नमक डाला है और चटनी में भी हमने नमक डाला है। इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, पोटैटो को मैंने जो बैटर बनाया उसमें डिप कर लिया है। आप देख रहे हैं आलू जो है हमारे गोल्डन हो गए हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। इसे हम निकाल लेते हैं, ये हमने एक टिश्यू पेपर से निकाल लिया है। अब हम आलू को करेंगे सर्व एक प्लेट में। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला, हल्का सा फ्लेवर के लिए, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे सॉस, ये हमने सॉस बनाई है ना। ये हमारी पोटैटो की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनके तैयार है। हम सॉस के साथ इसे खाएंगे, इतने टेस्टी लगेंगे ना ये कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत खुश होकर खाएंगे। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बाजार से कुछ मत खाएं, घर में जो दिल करे बना के खाएं। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत ही इजी से इजी रेसिपीज देती हूँ जो 1 से 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाती हैं। तो आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें, और अपने एक्सपीरियंस में से शेयर जरूर करें। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।